ये स्टार्टिंग विद वर्क एनर्जी. आज हम लोग वर्क और एनर्जी देख पाएंगे, पावर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके सर. देखो वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, हाउ डू वी डिफाइन वर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स इनटू, और भी एक इसमें कुछ कुछ और चीज है जो आपको ध्यान में देनी है सर. एफ डॉट एस. हाँ वो तो है, बट विल नॉट गो इनटू दैट, वो सब नहीं देखेंगे. सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे आप, ठीक है, विदाउट एनी वेक्टर एल्जेब्रा एंड ऑल दैट. तो यहाँ पर देखो अगर यस यस, अभी देखो अगर आपने इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, तो अभी इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. यस सर. ठीक, इसका जो एंड सर ये आप सेपरेट रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना सर? यस यस. तो इसमें जो भी वर्क डन होगा, करेक्ट, इसमें जो भी वर्क डन होगा, इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसा सीधा ही होगा, ऑब्वियसली वाई एक्सिस के अबाउट तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, एक्स एक्सिस के अबाउट तो डिस्प्लेसमेंट होगा. यस सर. तो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, मैंने क्या बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो एक तो चीज है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी मत लेना, ले लेना है यहाँ पर. क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर. तो फिर सर आप फिर से स्टार्ट से समझा सकते हो क्या सर? स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूँ मैंने, बस इतना बोला, अगर फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, करेक्ट. अब दूसरा क्या चीज है, तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. लेकिन तो फिर यहाँ पर एक कंडीशन और है, एक लिख लेना फिर पूछना मुझसे. डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, यस. अभी पूछो क्या है, क्या पूछो सर? अगर ये ऑब्जेक्ट सर अगर सर्कल के अंदर मूव करता है तो फिर सर वर्क डन जीरो होता है? यस, वर्क डन जीरो होगा. जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में देखो मूव, हां सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना सर, इसलिए. क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा. सर कैन यू रिपीट? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो वर्क डन जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा? जीरो. हां सर, वो सेंटर के तरफ एक्सीलरेट करेगा ना, इसलिए फोर्स सेंटर के तरफ लगेगी. स्केलर होगा, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन. तो सर्कुलर मोशन में फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा सर, अगर स्केलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कैसे सर, इसमें डिस्प्लेसमेंट हां ऐसे भी आप सोच सकते हो, यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट है. हां सर, वो 90 डिग्री होने की वजह से कॉस जीरो है. उस पर आ रहा हूं, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पहुंच रहे हो आगे, थोड़ा धीरे धीरे चलो. सब पूरी क्लास स्केलर कैसे सर? ओके, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों है, कौन बताएगा? सर मुझे भी नहीं समझ आ रहा सर. सर जीरो है ना सर, डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट कर रहा है ना सर. हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन है. देखो वर्क डन बाय इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम आगे देखेंगे. जो वर्क डन होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, एनर्जी. एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है. तो मतलब समझो जितना आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा वो वर्क डन के बराबर होगा. अच्छा हाँ सर, एनर्जी को कहीं पे भी अप्लाई करो सर, उसका वैल्यू सेम ही होता है सर. अच्छा सर, ओके सर. हाँ सर, और वर्क डन किसी भी डायरेक्शन में किया तो भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज. एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो होता है वो एनर्जी इज व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क ना. एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क. अगर आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपने कुछ वर्क डन किया होगा. तो अब अगर आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो अब आप ऐसे भागो, ठीक है, आप ऐसे दौड़ो, कैसे भी दौड़ो, ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है ना. आप हाँ सर, एनर्जी उतनी लगेगी. यस. अरे सर, वो सर्कल वाला फिर से समझा सकते हो क्या? वो नहीं समझा सर. सर्कल वाला सिंपल है. देखो सर्कल में क्या हो रहा है, जब आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो भी सपोज आप यहाँ से स्टार्ट किए, दोबारा से आप इसी जगह पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा वैसा. हाँ यस यस, इसलिए यहाँ पे वर्क डन आपका जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो. यस. चलो तो आगे बढ़े फिर. हाँ सर, समझा. चलो तो आगे बढ़ते हैं. तो अभी सपोज अभी आपका फोर्स तुम्हारा ऐसे लग रहा है, तब बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा?
सर कैसे? अभी समझो फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तब बता, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऐसे हो रहा है सर, एफ एस कॉस थीटा। चलो आपको मालूम है, बाकी बच्चे बताओ। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको मालूम है, बाकी बच्चों को बोल रहे। चलो बताओ क्या होगा अभी इस केस में वर्जन। सर हाउ कैन वी एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट? आपने कुछ ट्राई कर सेंटर, मतलब ठीक है यहाँ पे मैं फोर्स दिखा रहा हूँ सेंटर से, आप समझे टॉय कार है, टॉय कार में अपने को ट्राई कर देता है, तो फोर्स यहाँ पे आप कैसे लग रहा है सर यहाँ पर? हाँ बोल। तो फोर्स को जनरली हम सेंटर ऑफ मास पर ही दिखाते हैं। यस क्या बोल रहे हैं? नहीं सर कॉस थीटा लगाएंगे ना सर यहाँ पर। क्यों कॉस थीटा क्यों आएगा सर? सर क्योंकि सर वहाँ पर एंगल में थीटा दिया है ना सर, और सर फोर्स सर एक्चुअली वो फोर्स ना डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। yes, तो ऊपर yes. से अगर हमने ना ऑप्टिकल प्रोजेक्शन किया तो फिर उसका नीचे शैडो आएगा ना। yes, तो उससे yes. ही हम उसका एक कॉम्पोनेंट अगर सर ऐसे अलग डायरेक्शन में किया है तो सर वो कंपोनेंट्स में सर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग को मालूम सर थोड़ा फोर्स ना वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा सर एक्स डायरेक्शन में थोड़ा वाई डायरेक्शन में सर, एक्स में ज्यादा लग रहा है। ठीक है ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं सर। वो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के अंदर आपने बताया सर, चलो इसको हम समझ सकते हैं। कंपोनेंट में कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं होगा आपको समझने में। देखो अभी सपोज आप डिस्प्ले, आप एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऐसे मूव कराते हो, आप इसको 3 मीटर यहाँ पे मूव कराते और 4 मीटर यहाँ पे मूव कराते। अभी हम जस्ट डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं, ठीक है? आप इसको 4 मीटर यहाँ पे मूव कराते, मतलब ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये 4 मीटर, ठीक? तो अब देखो यहाँ पर सर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यस, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं इसका एक्स एक्सिस के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट हो वो 3 मीटर है और वाई एक्सिस के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट हो वो 4 मीटर का है? यस yes, सर। हाँ सर बोल सकते हैं। यस सर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अगर आप एक्स एक्सिस पर खड़े हो तो आप देखोगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जो है, ठीक है, वो 4 मीटर है। तो yes. इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हो आप? एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। तो ऐसे कोई भी वेक्टर रहता है उसके 2 कंपोनेंट रहेंगे, इनफैक्ट 3 रहते हैं, बट चलो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी अगर वो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा तो सर वो जेड कंपोनेंट, जेड एक्सिस आ। बट ठीक है अभी हम उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को, हम जब अभी 5 मीटर को क्या बोलेंगे सर? डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या? तो 5 मीटर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, जेड कंपोनेंट। नहीं, इट्स नॉट जेड कंपोनेंट सर, वो रिजल्टेंट है। या 5 मीटर जो है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका जो एक्स कंपोनेंट रहेगा वो 3 मीटर होगा और जो वाई कंपोनेंट होगा वो 4 मीटर रहेगा। हाँ सर, और अगर सर वो 3 और 4 का मतलब एक्स और वाई का ये वेक्टर एडिशन करेंगे ना सर तो 5 आ जाएगा। हाँ वेक्टर एडिशन करोगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 4, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा आपको, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और वो उसके लिए ये लगेगा ना सर ट्रिग्नोमेट्री? यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखिए सर, अगर सर ऑब्जेक्ट सर 3 मीटर सर एक्स एक्सिस, मतलब हाँ सर एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है सर, और फिर वैसे ही सर वो ऊपर भी जा रहा है सर 4 मीटर से जैसे वो मूव कर रहा है, तो yes. फिर सर जैसे वो ऊपर जाएगा सर तो उसको तो z कंपोनेंट ही लेंगे ना सर, क्योंकि वो नहीं, ये ऐसे जा रहा है ना ऐसे, ये क्या कौन सा डायरेक्शन है, ये y है ना? अरे आर्यन ये फ्लोर पे इमेजिन कर, z इज अलोंग दिस एक्सिस, z तो मतलब स्क्रीन के बाहर ही निकल जाएगा, स्क्रीन के प्लेन से बाहर निकल जाओगे बेसिकली, मतलब। हाँ सर ठीक है। अच्छा सर, ओके सर, करेक्ट सर। ये जो 5 मीटर का वेक्टर है ना वो ना इसी प्लेन पे स्टिक है? Yes, उसी प्लेन में स्टिक है। चलो तो अब देखते कंपोनेंट को, हम कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं कंपोनेंट को। सर वो आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, वो आपने लिखा था वो क्या, मैंने क्या फोर्स लग रहा है ये? हाँ तो मैंने ये पूछा था ये इस केस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, वो हम थोड़ा सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ओके सर, अभी आपने इसका ये
इफेक्ट पता है मतलब ये अब देखो अब मेरे एक वेक्टर वो कैसा भी रह रहा है, अब ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ये वेक्टर फोर्स हो सकता है, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये वेक्टर एक्सीलरेशन हो सकता है, ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है मेरा, ठीक है, ठीक। yes, तो yes, अब अगर मुझे इसका अभी आपको मालूम है ये एक्स है ये वाई है, तो अब इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लाइट को प्रोजेक्ट करो, लाइट को कैसा प्रोजेक्ट करो, ऐसा प्रोजेक्ट, सर ऑप्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जब तुम लाइट को ऐसा प्रोजेक्ट करोगे और x एक्सिस पे तुमने स्क्रीन रख दिया, तो तुम्हें देखो शैडो दिखेगा, शैडो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन चाहिए ना? यस, हमें परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन चाहिए। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मालूम है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है बच्चों? हां सर, हां सर, मैंने सर मुझे आज सर नहीं पता सर, वो cos θ sin θ का पूरा टेबल। यस यस, तो ये वाला जो लेंथ है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये जो लेंथ हो गई तुम्हारी, ये लेंथ क्या हो गई इसकी सर? x कंपोनेंट, x कंपोनेंट हो गई। और जब सर वो जो थर्ड एंगल है ना सर, मतलब वो जो थर्ड लाइन है ना सर, थर्ड साइड, वो सर ये होगा, मतलब रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर होगा सर। यस यस, और जब तुम इसको ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो इसका जो एंगल, जिसका जो लेंथ आपको वाई एक्सिस पे जब मिलेगा, मतलब स्क्रीन को भी वाई एक्सिस पे रख दो, और ये जो लेंथ तुम्हें मिलेगा दैट विल बी योर वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ठीक है। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में बस सिंपल रेशियो जो आपको समझना है, साइन कॉस टैन नहीं पढ़ा है कभी किस आप बच्चों ने? सर मैंने पढ़ा। तो अगर आपको नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री तो चलो अभी यहाँ पर तो ये समझ में है, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, किसी चीज का वाई कंपोनेंट क्या होता है। हाँ सर, कोई भी वेक्टर है उसका आप एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हो, वाई कंपोनेंट निकाल सकते हो। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इस वेक्टर की स्टेप से एक लाइन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर दो, और इसको ऐसे यू जस्ट टेक इट लाइक दिस, सो दिस इज योर एक्स कंपोनेंट। सेम यहाँ पर ऐसा स्टिप से एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस को जोड़ दो, तो ये ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस जो ये हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट। ये एक थियोरेटिकल चीज है, ये आपको मतलब पता, मतलब समझ सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। तब ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री में इट्स मेनली फॉर किसके लिए रहता है ट्रिग्नोमेट्री? अगर थीटा तुम्हारा ये हो गया, थीटा को ये लोगे तो फिर ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, तो थीटा के ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर रहता है और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। यस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा सर एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सर टैन थीटा एडजेसेंट, सर मतलब उसको बेस को एडजेसेंट भी बोल सकते हैं ना सर? टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हां साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हां सर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बस ये तीन रेशियो है ये आपको ध्यान में रखना है। साइन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। कॉस थीटा मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। ये यूनिटलेस होते हैं ना? ये यूनिटलेस होते हैं। अगर आपको इसको याद रखना है, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। तो अगर आपको इसको याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हो? एक एक्रोनिम है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, याद हो गया? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। कि इनको यूनिट नहीं है, मतलब यूनिटलेस है, यूनिटलेस रेशियो है ना, तो रेशियो या दिस इज ओनली फॉर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो आई विल पुट इट ओवर हियर, ट्रिग्नोमेट्री इज फॉर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैन यू प्लीज रिपीट इट? हेलो सर, हाँ यस यस बोलो सर। कॉस थीटा को सर एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं ना सर? लिख सकते हैं, कहीं कहीं सर बेस को एडजेसेंट भी बोलते सर। तो बेस एडजेसेंट ही हुआ ना, मैंने बोला ना थीटा अगर ऐसा जनरली बेस थीटा को
थीटा को जो साइड टच करे वो बेस होगा। हाँ सर, सर मैंने बहुत सारे बुक्स में देखा सर, एडजेसेंट बोलते हैं उसको। यस बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बोलो सर। टैन थीटा ऑन 90 डिग्रीज इज नॉट डिफाइंड राइट? यस यस, वो सर थोड़ा अलग डिस्कशन हो जाएगा बाद में कभी, आपके पास टाइम है तो आई कैन प्रूव बाय टाइम। मैंने ना अभी तक ना उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ा था सर, तो अभी वो लिख देते हैं। या तो टैन 90 इज अनडिफाइंड, मतलब बहुत ही लार्ज वैल्यू रहती है। ठीक है नहीं सर, क्योंकि वो पर, हो जाएगा ना, पैरेलल लाइंस हो जाते हैं ना। देखो उसका रीजन, अब ठीक है मैं पहले बेसिक देख, तो समझ में आया बच्चों आपको ये? हां सर समझा। ठीक है तो जल्दी से आपको दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो और यहाँ पे इस ट्राइंगल को देख के आप कोई भी वैल्यू साइन की बता सकते हो। जैसे ये दो ट्राइंगल आपको याद रखने हैं बच्चों, इस पर आप इस पे के बेसिस पर आपको वैल्यू पूछी जा सकती है सर। 30, 60, 90 और 45, 90 √3 2। ठीक है और ये कितना हो गया? 45, 45, 1, 1 ये √2 हो जाएगा, तो इसमें एंगल ऑब्वियस आइसोसेलेस हो गया, ये 45 हो गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन 30 कितना होगा बताओ, साइन 30 कितना होगा? साइन 30 बताओ कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। √3/2 साइन 30 कितना हो गया? साइन 30 हो गया √3/2 साइन 30 √3/2 तो साइन 30 क्या हो गया? ऑपोजिट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये cos 60 बताओ देखो कितना हो गया, cos 60 1/2 means... सर याद किया है सर मैंने। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, साइन ऑफ या cos ऑफ 90 माइनस 60। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो cos ऑफ, इस वक्त एक फॉर्मूला भी, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बट ठीक है मैं सब पे इतना डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, सब चीज आपको थोड़ी बहुत पता रहनी चाहिए। ठीक है और यहाँ पर देखो cos 30 बताओ जरा कितना होगा सर? √3/2 और साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 देखो कितना हो रहा है, वन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 सर, वो कॉस 90 माइनस थीटा क्या है सर? अरे मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 90 माइनस 30, 60 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 30 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अच्छा ओके, वैसा लिखा है, मतलब अलग फॉर्म में लिखा है। यस तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। देखो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 बताओ कितना होगा जल्दी से सर? 1। और सर ये हर एक ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है सर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसी ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। आप एक 3 4 5 वाला ट्रायंगल भी बना सकते हो देखो यहां पे। हाँ सर, वो 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 और 53 होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि cos ऑफ 37 कितना होता, बोलो 4/5, sin ऑफ 37 कितना होता, 3/5। पर आपको ये दो ट्रायंगल्स याद रखने, ये दो ट्रायंगल, ये ज्यादा आपको 9th में पूछता है, इस पर इतना नहीं पूछता है। ठीक है समझ में आई बात? यस सर। यस सर, जल्दी से बताओ भी मुझे tan 60 कितना होगा? tan 60 √3 होगा। ओके अभी मुझे चैट में बताना बच्चे, बाकी सब बच्चों को भी करने दो सर। एक सेकंड सर, चैट को ओपन करने दो सर। हाँ सर या चलो अभी जल्दी से बताओ मुझे इसकी वैल्यू बताओ। चलो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू बताओ, साइन 30 इंटू कॉस 30 बताओ जल्दी से कितनी होगी वैल्यू सर? कौन से ट्रायंगल में सर? हाँ सर दिख गया, सर दिख गया सर। या हाँ ठीक है, साइन 30 इनटू कॉस 30 ना सर? यस यस सर, भेजा सर आपको? भेजा। यस करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है यस सर। देखो साइन 30 यहाँ पे कितना होगा, साइन 30 होगा बाकी 1/2 इनटू √3/2 सर। मैंने चार्ट खोला तो वो ब्लैक सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है चलो ये कैसे कैलकुलेट करें? देखो साइन 30 बताना तो कितना होगा सर? साइन 30 1/2 उसको बताने दो, साइन 30 कितना होगा? किसको नहीं समझा था, किसने भी बोला था? मिताली आप कौन? नील आप क्या? नहीं सर मैंने था। शर्वरी आप बताओ जल्दी से साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 करेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन दिस थिंग बेस ना, तो 1/2। कॉस 30 की वैल्यू जल्दी से बताओ यहाँ पे कितनी हो जाएगी?
cos 30 क्या होता है? root 3 upon 2. ठीक है, यस ईशान को करेक्ट है. तो कितना हो गया ये, रूट थ्री अपॉन फोर हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो साइन 30 मल्टीप्लाई तो है. या चलो अगर मैं आपको ये दे दूं, चलो अभी एक दूसरी वाली देता हूँ. अगर मैं आपको बोलूं साइन 45 कितना होगा, बताओ साइन 45 कितना होगा? 1/√2. चैट में बोला था ना, ठीक है चलो. अरे सॉरी, साइन 45 कितना हो गया? देखो 45 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस रूट 2 है, तो दिस इज 1/√2. अभी समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ समझ में. ओके यहाँ पर देखो, ठीक है चलो. एनीवे तो ये समझ में आया ना आपको? यस सर. यस एनीवन हु डिडंट अंडरस्टूड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? नहीं सर, समझा सर. सब बच्चों को समझा? ये दो ट्रायंगल याद हो गया अभी? थीटा इज ऑलवेज ऑपोजिट टू परपेंडिकुलर ना. थीटा इज टचिंग परपेंडिकुलर. या थीटा इज ऑपोजिट टू परपेंडिकुलर एंड टचिंग बेस. ठीक है सर. देखिए सर, ये वाला मैंने सर टेबल बनाया सर. हाँ टेबल भी आप बना सकते हो. टेबल इसका बना सकते हो आप. ठीक है, पर अगर ये दो ट्रायंगल बस याद रख लो तो टेबल एडिंग को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है. ठीक है चलो, तो अब हम लोग आते हैं इस पर आते हैं. तो वीवर, हाँ यस यस सर. यस सर, टेबल बना सर अभी जस्ट. यस यस यस, उसका भी एक ट्रिक रहता है. तो एनीवेज अब पिता नहीं फोकस कर रहे अभी सर. ये ना लास्ट ही सर नॉट डिफाइंड सर मुझे वेरीफाई करना था सर. नॉट डिफाइंड मतलब इट इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो जो होता है, इट इज एन इनफाइनाइट. इनफाइनाइट हां सर, ये 1 बाय 0 इट्स अ वेरी लार्ज नंबर. या नॉट डिफाइंड ऑन नंबर लाइन बेसिकली. बहुत ही बड़ा हो गया. अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्स का बाउंड्री कहाँ पर है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट डिफाइंड. मतलब वी कांट डिफाइन दैट. इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट यूनिवर्स. तीन चार लाइट ईयर आप चले जाओ आगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. ओके एनीवे सर, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि थीटा इज ऑलवेज अपोजिट टू परपेंडिकुलर साइड एंड ऑन सेम लाइन. थीटा इज ऑलवेज अपोजिट टू परपेंडिकुलर साइड एंड ऑन सेम लाइन. तो अब मैं आपसे पूछ रहा था जैसे कि अगर मान लो फोर्स अभी यहाँ पर ऐसे लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो अब यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालोगे? तो अभी आपको समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट. अब देखो फोर्स का भी तो एक्स कंपोनेंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालोगे? फोर्स का एक्स कंपोनेंट, इसकी टिप से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इसको देख, इसको पूरे को ले लो. करेक्ट, तो ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट फोर्स का. इसी तरह इसकी टिप से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और जस्ट टेक इट लाइक दिस. तो ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट. यस सर. सर यस बोलो सर. इन द डायग्राम ऑन द लेफ्ट वो थीटा कैसा आया? इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल ना? यहाँ पे सर ऑन द लेफ्ट साइड वो फोर्स और एक्स, ये थीटा कैसे आया? सर आप ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हो, हाईलाइट कर दो ना. नहीं नहीं हाँ, आप एग्जैक्टली पूछ रहे हो मिताली. सर थीटा इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ना, बट देयर इज नो राइट एंगल ट्रायंगल. ये है ना राइट एंगल. थीटा इज एनी एंगल, इट्स नॉट एनी एंगल. थीटा इज एनी एंगल. देखो पहली बात तो थीटा तो ये एंगल है और दूसरा थीटा जो भी है थोड़ी ना, हम स्केलिंग ट्रायंगल के लिए भी तो लेते हैं ना थीटा. एग्जैक्टली आप ही बोले ना कि इट्स फॉर राइट एंगल ओनली. मैंने बोला ये जो रेशियोज है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. यस सर. ये जो रेशियोज है ना साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकालते हैं. अगर आप स्केलिंग ट्रायंगल ले लेते हो तो इसके लिए कैसे निकालोगे आप बताओ? अब यहाँ पर आप क्या किसको बेस किसको हाइपोटेनस पकड़ोगे ना? तो ये सर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. बट डायरेक्टली इसका आप नहीं निकाल सकते. ठीक है, डायरेक्टली ट्रायंगल्स का रेशियो नहीं निकाल सकते. यस सर. ओके समझा मिताली? यस सर. सर आप ये वाला ही ट्रायंगल आप कंसीडर कर रहे हो ना सर?
तो अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी में, इन ए ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ये तो मेरा, ये मान लो मेरा फोर्स है, करे तो क्या मैं लिख सकते कॉस थीटा जो होगा, बताओ कॉस थीटा क्या होगा ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ओ ए बी व्हाट विल बी कॉस, सर ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी अपॉन ओ ए होगा कि नहीं होगा, और ओ बी देखो ओ बी की लेंथ जो है वो एफ एक्स के बराबर है, और ओ ए की लेंथ कितने के बराबर है, एफ, एफ के बराबर, तो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा, सर एक ये नहीं समझे सर, OA बाय OB बाय OA के बाद इसकी जो लेंथ है OB की, ये एफ एक्स के बराबर है कि नहीं, y हो जाएगा ना, ये एफ एक्स है ना, नहीं सर एफ एक्स बाय एफ वाई हो जाएगा ना, क्योंकि आपने ये एफ है ना, ये एफ है ना, बट ओ ए कितना, ओ ए की लेंथ कितनी है, ओ दिस इज, अरे हाँ सर समझ में आ गया, ओके सर एफ एक्स मतलब एफ का एक्स कंपोनेंट और एफ वाई मतलब एफ का वाई कंपोनेंट, एफ का वाई कंपोनेंट है, एफ एक्स मतलब एफ का एक्स कंपोनेंट, एफ वाई मतलब एफ का वाई कंपोनेंट, यस सर, और सर वो एफ एक्स एफ कॉस थीटा क्या है सर वो, हाँ तो अब देखो यहाँ पे ये आपको समझो ओ बी की जो लेंथ है वो एफ एक्स के बराबर है, ओ ए की जो लेंथ है वो एफ के बराबर है, तो एफ एक्स कितना हो गया यहाँ पर, F into cos theta हो गया कि नहीं हो गया सर, कैसे पर सिंपल मल्टीप्लाई कर दो ना, cos theta F को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, F into cos theta, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ओ ओके सर, हाँ सर, हाँ सर समझ गया, समझा ना, हाँ सर, हाँ yes, सर, चलो इसी तरह यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं, साइन थीटा बताओ कितना होगा बच्चों, इस ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा सर, ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन सर ए बी मतलब ही एफ वाई है, ए बी अपॉन ओ ए, तो इसको मान लेते हैं सर, ए बी मतलब ही एफ वाई है ना, ओ सी मान लेते हैं इसको, तब देखो ए बी की जो लेंथ है वो ओ सी के बराबर होगी कि नहीं होगी, ए बी की जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है वो एफ वाई इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, हाँ सर एफ का वाई कॉम्पोनेंट, तो इसको ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी अपॉन ओ ए लिख सकते हैं, यस सर, और OC बताओ किसके बराबर है, OC F by sir, F by, और OA किसके बराबर है, F के बराबर, sin, हाँ सर, तो F by कितना, तो F by is equal to F sin theta, yes sir, so with the help of trigonometry we can calculate इसका x component and इसका y component, ठीक है, अब आ जाते हैं अपने इस वाले केस में, तो अभी मैंने क्या, अभी अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना है तो मुझे मेरे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, फोर्स शुड बी इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फोर्स किसके डिस्प्लेसमेंट में होना चाहिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना, देखो yes, वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये फोर्स कैसा होना चाहिए, फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस सर, यस सर, पर इस केस में नहीं है, हाँ इब इस केस में नहीं है, फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजोल्व कर लेंगे, रिजोल्व मतलब क्या कर लेंगे, हम फोर्स का देखेंगे, चलो हम यहाँ पे अगर मान लो परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का पैरो देख रहे हो, दिस इज बेसिकली एफ कॉस थीटा, करेक्ट, तब देखो अभी यहाँ पे फोर्स, और यहाँ पे इसका एक वाई कंपोनेंट भी रहेगा, बट वाई कंपोनेंट हम बाद में देखेंगे, वाई कंपोनेंट क्यों यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता वाई कंपोनेंट की वजह से, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो इसका फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज एफ एक्स एफ कॉस थीटा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स मिल गई कि नहीं मिल गई, हाँ सर, तो इसको आप क्या लिख लोगे, वर्क डन इज एफ डॉट एक्स, करेक्ट, तो फोर्स यहाँ पे क्या सर, एफ कॉस थीटा एक्स, एफ कॉस थीटा टाइम विच इज एफ एक्स कॉस थीटा, समझ में आई बात, समझ में आई बात, मतलब डिस्प्लेसमेंट लिया है क्या, यस हाँ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना हो, एफ कॉस थीटा हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एक्स, सर पर मतलब एक्स के तो दो वैल्यूज है ना सर, एक्स तो एक तो डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा एक्स कंपोनेंट भी है सर, हाँ तो यहाँ पर हम एक्स को हमने एक्स कंपोनेंट कहाँ पर, अरे आप कंफ्यूज हो रहे, इधर सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो
यहाँ पर ये जो x है ना मेरा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? यहाँ पर x क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट है। ये फोर्स हमें कैसे लेना है? ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर मैं मेरा ब्लॉक में फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, तो मुझे फोर्स को किस डायरेक्शन में लेना है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेना है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैं कौन सा फोर्स का कंपोनेंट लूंगा? तो मैं यहाँ पे फोर्स का ऑब्वियसली बात है x कंपोनेंट ही तो लूंगा। यस सर। हाँ सर, y कंपोनेंट को ऐसे ही जाने देंगे क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया। हाँ, y कंपोनेंट वेस्ट नहीं होगा, y कंपोनेंट भी इसका होगा, पर y कंपोनेंट विल बी f sin थीटा। आएंगे y कंपोनेंट से क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखेंगे हम। पर पहले बताइए, ये सब बच्चों को समझ में आया वर्धन इज f x सर? उसने f cos थीटा कैसे बोला वो नहीं समझा सर। f क्या क्या f cos थीटा क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बेस और हाइपोटेन्यूज के अंदर मैंने स्टार्टिंग में आपको डिफाइन करके दिया था कि जो वर्क डन होता है दैट इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मान लो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो फोर्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लेना पड़ेगा ना। सर मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं fx of x। हाँ ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर f लिख दो x, दिस इज व्हाट x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू x मतलब डिस्प्लेसमेंट। यस लिख सकते हो सर। fx मतलब ही f cos थीटा। या fx मतलब ही होता है मतलब x कंपोनेंट सर। सब बच्चों को समझ में आई ये बात कि नहीं आई? हाँ सर, समझे। आप एक क्वेश्चन दोगे क्या सर अभी इसके ऊपर? हाँ बता, दे रहो दे रहो, बस एक छोटा सा एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, फिर देता हूँ इस पर एक क्वेश्चन। अब देखो, अगर मान लो मैंने फोर्स ऐसे लगाया, करेक्ट, और बट मेरे डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है सर, तो वर्डन जीरो हो जाएगा। यस, तो क्या इस ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से हुई? नहीं सर। नहीं सर। सर ये तो मतलब एक्स इक्विलिब्रियम में है सर। हाँ, नहीं जैसा भी रहने दो, अब ये कैसा भी रहने दो, लेकिन क्या मेरी वर्डन इस फोर्स की वजह से हुई? नहीं सर, कोई नहीं अलग फोर्स से हुई सर, जो शायद वो ये फोर्स से डेवलप हुई होगी सर। करेक्ट। तो ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कोई तो फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको डिस्प्लेस कर रहा होगा सर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो वर्धन हुई ये कितनी हुई? जीरो हुई। क्यों? दिस इज एफ। यहाँ पर क्यों जीरो हो गई बच्चों? यहाँ पे क्योंकि cos 90 जीरो होता है, क्योंकि इस फोर्स का, इस फोर्स को जब आप इस x एक्सिस के अबाउट देखो, अगर मेरा फोर्स ऐसे है इसका x कंपोनेंट कितना होगा? इस फोर्स का जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ जीरो होगा सर। अगर मान लो फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसका fx तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसा प्रोजेक्ट करोगे यहाँ पर, तो इसका दिस विल हैव नो प्रोजेक्शन, इट विल बी पॉइंट। पॉइंट के तो पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी ना, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। तो अगर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अभी आपको इसका मतलब समझ में आया क्यों जीरो होता है? क्योंकि ये वाला, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, इस फोर्स की वजह से नहीं हो रहा होगा, ये किसी और फोर्स की वजह से हो रहा होगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ सर, ऊपर स्क्रॉल कर सकते होगा थोड़ा सर, और थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ सर, दिख गया सर। ठीक है सर, अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड सर, इसकी पीडीएफ सेंड कर दो। आपके फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, एक्सीड बुकलेट वन का लास्ट चैप्टर वर्क एनर्जी है, ठीक है? तो वहां से आप पढ़ भी सकते हो उसको। चलो, तो अब देखो यहाँ पर, अब अगर सपोज मेरा कभी कभी वर्क एंड एनर्जी क्या? हाँ, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी क्या होता है? तो अब क्या सर, क्या बोले? क्या वर्क का क्या बोले अभी? वर्क एनर्जी पावर करके एक चैप्टर है आपकी एक्सीड बुकलेट वन का लास्ट चैप्टर। अच्छा, अब सपोज फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है सर, तो कॉस 180 माइनस 1। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पर वर्धन तुम्हारा निगेटिव हो जाता है, जैसे फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन। तो मुझे याद रखो, अगर फोर्स तुम्हारा ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, फोर्स ऐसे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है,
तो वर्क डन इज नेगेटिव. अब तुम्हें लग रहा होगा कि वर्क डन नेगेटिव कैसे हो सकता है, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट? कैसे नेगेटिव हो गया? मास कभी नेगेटिव होता है क्या? लेकिन वर्क डन में हमने यहाँ पे कन्वेंशन दिया, नेगेटिव हो सकता है वर्क डन, नेगेटिव हो सकता है. तो अगर आपने ऐसा अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी केवल पॉजिटिव होती है, तो ये नॉट अ परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट. कुछ स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव भी होती है. वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है, हो सकता है वर्क डन नेगेटिव. आप आगे जाके पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है सर. पर इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे सर, ये वाले फिनोमेना को? इसको ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में लिखना है तो आप सर, इसको हाँ सर, आप ट्रिग्नोमेट्री अभी इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, वैसे तो यहाँ पे कॉस 180 डाल देते हैं तो कॉस 180 माइनस वन आ जाता है सर. और फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर हमें एग्जाम के अंदर, क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस क्या हमें पूछेंगे क्या सर एग्जाम के अंदर? कैसे क्वेश्चन? ऐसे नेगेटिव वाला? हाँ सर, हाँ पूछ सकते हैं ना. नेगेटिव वाला बल्कि सबसे ज्यादा आता है सर. एक cos 180 वाला आएगा क्या? अरे आपको यू डोंट हैव टू डू सो मच विद ट्रिग्नोमेट्री, आप कांसेप्ट याद रखो इसका, करेक्ट? तो हमने तीन चीजें बेसिकली देखी यहाँ पर. कौन कौन सी तीन चीजें देखी? एक तो हमने देखा वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, ठीक है? वर्क डन पॉजिटिव जब सर परपेंडिकुलर व्हेन फोर्स और व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यस यस. तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? या तो देखो फोर्स ऐसे लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऐसे हो रहा, ठीक है? तीन केसेस हमने देखे यहाँ पर, तो उनको एक बार जल्दी से देख लेते. या तो तुम्हारा फोर्स ऐसे लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा हो, ठीक है? तो इन दोनों केसेस में वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है सर. वो थीटा 90 से कम होना चाहिए. हाँ, ये थीटा 90 से कम होना चाहिए. F into x cos theta. तो हमें जो है cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है सर? ये नहीं समझे सर, cos 0 1 और cos 90 0, ये वैल्यूज है cos 0 और cos 90 के, रट लो ये वैल्यूज, ठीक है? बाद में कभी टाइम मिले तो समझा दूंगा क्यों cos 90 थीटा और सर थीटा 90 से कम क्यों होना चाहिए सर. क्योंकि अगर cos 90 हो जाएगा तो यहाँ पे cos 90 0 हो जाएगा ना, तो वर्क डन फिर 0 हो जाएगा, जो हमारा केस 2 है सर. और फिर जैसे 90 से सर 180 पे जाएगा ना सर, फिर नेगेटिव हो जाएगा. यस यस यस. अगर 90 से 180 के बीच में, और जब तुम्हारा फोर्स अगर ऐसे लग रहा है सर, मतलब वर्क 0 और 1 में क्या मतलब? 1 मतलब वर्क डन और 0 मतलब नो वर्क डन. यस सर, cos 90 के केस में हां बोल सकते हो. यस यस. तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है. यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला आपका ऐसे ले लो, ठीक है? तो अगर आपका फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो वर्क डन इज मैक्सिमम. ये वाला जो वर्क डन है, दिस इज मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है? ये वाला जो केस आ रहा है, ये वर्क डन मैक्सिमम. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्क डन 0 हो गया कि नहीं 0 हो गया? केस 2 जीरो हो गए कि नहीं हो गए यहाँ पे? जीरो क्यों जीरो हो गया सर? क्योंकि fx जीरो है ना सर. या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फिर केस 3 हमने देखा, केस 3 हमने क्या देखा? नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव सर, वो 90 और 180 डिग्री के बीच में सर, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो ये हो गया मेरा नेगेटिव वर्क. यस सर. तो एक चीज आप ध्यान में रखना कि अगर आपको कोई पूछता है क्या स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है निगेटिव. स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन, ठीक है? यस सर. सर ये तो आपने पहले ही बताया था सर कि स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है सर, पर वो मैटर नहीं करता. स्केलर क्वांटिटी निगेटिव कैसे हो सकते हैं? स्केल बेसिकली देखते हैं. अगर मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट भी आपका निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस भी निगेटिव हो सकता है, कैसे? हेलो सर, अब सपोज माइनस 2 से चले, आपने अपने स्केल जो डिफाइन कर दिया माइनस 2 से. जनरली हम क्या करते हैं, स्केल अपने जीरो से डिफाइन करते हैं, बट अगर मान लो मैंने स्केल माइनस 2 से डिफाइन कर दिया तो यू नो इट कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू एज वेल. हेलो सर. हाँ बोलो बोलो सर. अगर मैंने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया सर फोर्स, हाँ तो भी नेगेटिव ही होगा ना? नेगेटिव भी नेगेटिव होगा, बट उसके लिए फिर आपको कॉस 90 से ज्यादा एंगल लेना पड़ेगा, तो वो सब आपको भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पता है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? सर ये वाला
सर ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ना? हाँ ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है सर। ये परपेंडिकुलर और फिर उसके बीच में सर वर्क डन सर कम ही होते जाएगा ना? हाँ सर, देखो तीन केसेस है, तीन केसेस, एक तो एक तो ये अलग, एक तो अपने ये अलग केस हो गया, एक 90 वाला और एक 180 वाला समझ लो। इसके बीच का केस अभी आप मत उसको पढ़ो, क्योंकि वो सब फिर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ मोर देन ऑब्ट्यूज एंगल्स का थीटा का कॉस थीटा साइन थीटा कैसे निकालते, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो अभी वो छोड़ दो, ठीक है। जैसे कॉस ऑफ, अगर आपको कोई बोले कॉस ऑफ 120 डिग्री, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम कॉस 0 से 90 के बीच की वैल्यूज है, तो बट दिस कॉस विल बी नेगेटिव, ठीक है। यस सर, अभी क्वेश्चन सर, ठीक क्या हो गया? या चलो तो सर अभी क्वेश्चंस। हां सर, ठीक है चलो क्वेश्चन। तो ये तीन केसेस सब बच्चों को समझ में आए? समझ में आए सर। तो क्वेश्चन इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेंगे इसके। सर हम इस लेवल के ऊपर कॉम्प्लेक्स नहीं होता ना, इसमें तो सिंपल क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है सर। वो हम वो एनर्जी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे ना? पोटेंशियल एनर्जी नहीं सर, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट बताऊंगा आपको। पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट सेम रहता है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, सब जगह सेम ही बैठता है। पोटेंशियल एनर्जी कांसेप्ट पढ़ेंगे। देखेंगे हम जब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी तब देखेंगे। चलो अभी हमारे आपका फोर्स 10 न्यूटन है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो कितना लोग है, 5 मीटर ले लो और ये एंगल मान लो थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। तो जल्दी से बताएं फिर वर्क डन कितना होगा। सर मैंने सेंड कर दिया। सर फोर्स 10 न्यूटन है क्या? फोर्स 10 न्यूटन है, यस सर मेरा करेक्ट है। यस करेक्ट। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल। सर एनर्जी होता है ना सर, सर मैंने भी भेजा सर। करेक्ट सर। तो सिंपल अभी देखो कॉस, कॉस 60 देखो ऊपर, अभी मैंने आपको क्या बोला ट्राइंगल का वैल्यू याद रखो सर, 1/2 × 5 × 10 30, 60 और 90, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 60 के यहाँ पे कितना आता है, दिस विल बी 1, दिस विल बी रूट 3, दिस विल बी 2। तो cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 cos 60 1/2 into 5 × 10 हो जाएगा सर। तो वर्क डन देखो कितना कैंसिल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। यस सर। फोर्स कितना है यहां पे 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पे 5 और cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2 तो cos 60 इज 1/5 तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? जूल। और सीजीएस यूनिट अर्ग, अर्ग ये तो मालूम ही आपको। और कॉमन यूनिट कैलोरी, कैलोरीज पर हीट सर, कैलोरीज पर एनर्जी। हां सर वो ना वर्क डन के लिए भी होता है सर कभी-कभी। नहीं वर्क डन के लिए नहीं यूज करते, कैलोरीज इज स्पेशल यूनिट फॉर हीट, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल वर्क डन अलग है और हीट वाला वर्क डन अलग, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कभी-कभी हम कैलोरीज इसको यूज कर लेते हैं। ओके सर, वो कैलोरीमेट्री में यूज होता है ना? हां कैलोरीमेट्री। चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, किस केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा? ये फोर्स है तुम्हारा और ये अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं सब कुछ के एंगल दे रहा हूँ। तो वर्क डन इज मैक्सिमम फॉर, इसका आंसर मुझे चैट में बताना सर। और फिर फर्स्ट और सेकंड केस सर बोल दीजिएगा सर। हाँ, फॉर थीटा इक्वल्स टू, यस बताओ जल्दी से बताओ सर। मेरे करेक्ट है सर? यस कॉमन करेक्ट। यस अब धूत का भी सही, सब बच्चे बताओ जल्दी जल्दी इसका क्या आंसर होगा। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। यस यश का भी सही है, गुड।
फिर इसमें ज्यादा कुछ सोचना जैसा आर्यन आर्यन आपका थ्योरी पता होना चाहिए। संस्कृति का भी गड़बड़ हो गया। नहीं ईशान थोड़ा सोचो कैसे होगा। 90 पे तो जीरो हो जाएगा ना बच्चों। 90 पे तो जीरो हो जाएगा। 90 पे तो जीरो सर। 90 हाँ सर 90 पे तो जीरो नहीं 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 देखो ओके चलो देखते हैं इसको। तो सबसे छोटा एंगल अभी हाँ जो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है। अगर यहाँ पे मैं बोलता थीटा जीरो होता तो यहाँ पे वर्जन कितना कितना हो जाता है एफ इंटू एक्स हो जाता ना। अरे सर जैसे ही सर एंगल इंक्रीज सर कर रहा सर वैसे ही सर 90 पे आके सर वो जीरो पे आता है। और यहाँ पे क्लॉस 90 की वैल्यू देखो जीरो तो दैट मींस वैल्यूज आर डिक्रीजिंग। जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मतलब जितना कम थीटा उतना ज्यादा वर्क। यस अरे सर जितना कम थीटा उतना ज्यादा वर्क डन। ठीक है यस सर। यस सर एक पॉइंट बना के लिख दीजिए ना नीचे। ओके तो हैशटैग बना लीजिए सर। लेसर द थीटा मोर इज द वर्क। यस हां सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है यस सर। तो अभी मुझे बताओ किसका वर्ग निगेटिव होगा। एक्चुअली अभी ठीक है आई थिंक अभी यहाँ पर ही एंड करते हैं अभी इसको। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो आखिरी के एक दो मिनट में। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है तो आज का सेशन यहीं पर एंड करें। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ठीक है पावर क्या होता है सब कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है और अपना होमवर्क कर लेना। कौन सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला जो मैंने दिया सर मैंने आपको भेजा सर आर्किमिडीज। हाँ वो ठीक है बाद दिन जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए सर। अगली बार से सर श्रद्धा मैम को भेजना है कि आपको भेजना होमवर्क। श्रद्धा मैडम को ही भेज दो मैं लिख दूंगा होमवर्क। श्रद्धा मैडम को भेज दो ठीक है।